हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ डेनवाल। सो इन नाइन्थ क्लास वी वर डिस्कसिंग अवर चैप्टर लाइंस एंड एंगल एंड वी ऑलरेडी सॉल्व अवर वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सम टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट एक्सरसाइज। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द एंगल्स। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं दो लाइंस पैरेलल हैं, कैसे पैरेलल होगी? सर एक लाइन थोड़ा इधर बना लेते हैं। दो लाइंस को बच्चों क्या बनाना है? पैरेलल। तो ये हमारे क्या है? टू पैरेलल लाइन। एक लाइन ये मान लो और इसके पैरेलल ये दूसरी लाइन मान लो। सपोज करो दिस लाइन एल है, ये एम है। बच्चों ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या बोला मैंने? पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। जस्ट लेट मी चेक द हाँ। अगर बच्चों ये पैरेलल लाइन नहीं हुए, देखे जैसे ही दो लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है क्योंकि ये थोड़ी दूर पर जाके कट हो जाएगी या ऐसा कुछ आता। तो अगर आप इधर इनको एक्सटेंड करेंगे तो थोड़ी देर में कहीं ना कहीं ये लाइंस एक दूसरे को एक्सटेंड कर जाएगी, तो ये पैरेलल लाइंस का पेयर नहीं है। इज इट क्लियर? अब एक होती है ट्रांसवर्सल। अगर कि दो लाइंस को एक लाइन कट करे तो वो ट्रांसवर्सल होता है। ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये कैसे भी कट करवा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बोलो ये दो पैरेलल लाइन, अगर मैं इनको कट करवाता हूँ किसी ट्रांसवर्सल लाइन से, तो ये हमारी क्या होगी? एक पर जर्नी है, टेडी मेडी बनाओ आप इसको, ऐसा एकदम सीधी भी बना सकते हो। ये भी आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। यस और नो? तो ये आपको बच्चों छोटी छोटी चीज़ें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो अब आप देखेंगे आगे, अब यहाँ पे अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो कौन कौन से एंगल बन रहे? बच्चों पैरेलल नहीं होते तब भी एंगल बन सकते थे। कैसे? देखो ये लाइन मान लो पैरेलल नहीं है, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये वाला इसके साथ करस्पॉन्डिंग, ये और ये कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट्स के बहुत सारे पैर हो जाते हैं, ये और ये को इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, ये और ये, बट ये आपस में इक्वल नहीं होते एंगल्स। कैसे? वो मैं एक ही बार में बताते तो दो बार में टाइम ख़राब नहीं करते थे। सपोज करो बच्चों में ये चार एंगल है, यहाँ पे भी चार एंगल है। दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और बच्चों क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है मैंने कैसा, L जो है वो किसके पैरेलल है? लाइन M लाइन के। ये दोनों लाइन कैसी है बच्चों? पैरेलल है। तो अब आप गौर से देखेंगे क्या क्या करना है हमें। आप देखेंगे 1, 3 के साथ, ठीक है, 2, 4 के साथ ये दोनों, ये दोनों 1, 3 के साथ, 2, 4 के साथ, 5, 7 के साथ और 6, 8 के साथ, ये सभी के सभी कैसे एंगल है बच्चों हमारे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है? और यह आपको मैंने पहले ही बता रखा, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या होगा हमारा? एंगल 1 और 3 इक्वल होगा, एंगल 2 और 4 इक्वल होगा, एंगल 5 और 7 इक्वल होगा, एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल होगा। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किस केस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल में। इज इट क्लियर बच्चों? और ये पहले से ही बोल रखा है कि दोनों लाइन्स हमारी क्या हैं? पैरेलल हैं। तो इसी में आगे और देखते हैं कौन कौन से और एंगल होंगे। अब देखिए बच्चों, आप देखेंगे मैं आपको कुछ और एंगल मेंशन कर रहा हूं, एंगल 1 और 5, ठीक है, फिर एंगल 2 और 6, फिर आपको एंगल्स को नहीं रटना है, आपको एंगल्स की पोजीशन को ध्यान रखना है, फिर एंगल 4 एंड 8, फिर बच्चों एंगल कौन सा? एंगल 3 एंड 7। ये सारे आपस में क्या है? ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों भी
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कौन से वाले? ट्रांसवर्सल के एक साइड देखो आप पहले, इस साइड ऊपर वाले, दोनों लाइन के ऊपर वाले, 2 और 6 लिखा हुआ है, और इस साइड में ऊपर वाले 1 और 5 लिखा हुआ है। अब नीचे वाले भी 3 और 7 लिखा हुआ है, 4 और 8 लिखा हुआ है। तो ये सभी के सभी जो मैंने दो दो लिखे हैं, ये सब आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? लाइन्स हमारी पैरेलल है। इज इट क्लियर बच्चों? इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। जैसे मान लो दो लाइन्स पैरेलल दे रखी है, तो कन्फर्म है उसका आउटकम क्या आएगा, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे, और भी एंगल इक्वल आएंगे। चलो मैं बताता हूँ पहले उनको साथ। तो ये हमारे सारे के सारे कैसे एंगल है बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब दोनों लाइंस पैरेलल क्वेश्चन में दे रखी है, या मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था कि दोनों लाइंस कैसी है आपकी, पैरेलल है, इट मींस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8, एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये सारे के सारे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इक्वल क्यों हुए? क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है जिनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की। कौन से होते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल? जब दो पैरेलल लाइन होगी और उनको अगर ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो कट कर रहा है तो देखो आपका 4 वाला 6 के साथ कोमा, 3 वाला 5 के साथ। पोजीशन देख लो इनकी, नंबर मत रटो, हर बार नंबर थोड़ी लिखाएगा। तो ये जो दोनों एंगल है इनको बोला जाएगा हमारा इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। और दोनों लाइंस पैरेलल थी इसलिए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी क्या होंगे बच्चों? आपके इक्वल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको ध्यान रखनी। इसके बाद भी देखो जैसे ही, और ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि लाइन्स हमारी क्या है? पैरेलल है। इसके बाद बच्चों एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी आते हैं। कौन सा वाला? देखो ये 1 वाला इधर वाले 7 के साथ। देखो इंटीरियर में से जेड बनता है ये, देखो ये ऐसे बन गया, तो ये वाला इसके साथ, और यहाँ उल्टा जेड देखोगे तो ये वाला इसके साथ, ठीक है। और ये तब इक्वल लिखेंगे जब दोनों लाइंस पैरेलल होगी। आगे देखिए, आगे आप देखेंगे कौन सा एंगल लिखने वाले अब, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो बच्चों 1 तो 7 के साथ होगा, एंड 2 और 8, ये 2 पेयर हमें मिलेंगे किसके? हमारे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के। ऑल्टरनेटिव लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों इक्वल भी होंगे क्योंकि हमारी दोनों लाइंस क्या गिवन थी? पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं होते तो इक्वल नहीं होते। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 कोमा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होंगे जब हमारी लाइंस पैरेलल हो। और वर्टिकली अपोजिट एंगल का तो आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन और दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन। यहाँ जरूरी है पैरेलल लाइंस का। अब एक एंगल और बच गया बच्चों, देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। सेम साइड जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में भी एंगल आ रहे हैं और ट्रांसवर्सल के एक साइड आ रहे हैं, पैरेलल लाइन के बीच में दोनों एंगल है ट्रांसवर्सल, ये 3 और 6, और इधर भी तो आ रहे हैं 4 और 5। तो बच्चों एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, इन सबको क्या बोला जाएगा? हमारे को इंटीरियर्स एंगल। कौन सा बोला जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर? और ये ध्यान रखें, अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये दोनों इक्वल होंगे ना।
टू लाइंस पैरेलल तभी होगी जब इन को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, या इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल गिवन देन सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180। इट मींस एंगल 3 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 180। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इफ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल नॉट 180 देन दीज टू लाइन्स विल नॉट बी पैरेलल। अब फिर से देख लीजिए बच्चों, इफ देर आर टू लाइन्स एंड वन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स एट टू पॉइंट्स, यहाँ पे कट किया यहाँ पे कट किया, तो देर विल बी फोर एंगल एट दिस पॉइंट एंड अनदर फोर एंगल विल बी सेकेंड पॉइंट, सो देर आर टोटल एट एंगल्स, सो देर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज बिटवीन दीज एंगल्स लाइक 1 and 3, 2 and 4 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट, 5 और 7, 6 और 8 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, फिर आप देखेंगे 2, 6 के साथ इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल क्यों हुए क्योंकि लाइन्स पैरेलल है, 3 और 7 भी हमारे क्यों इक्वल हुए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है इक्वल क्यों हुए क्योंकि ये क्या है हमारी लाइन्स पैरेलल, 1 और 5 दोनों इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 4 और 8 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और इक्वल भी है क्योंकि लाइन्स क्या है हमारी पैरेलल, फिर आप देखेंगे देखो इसे जेड बन रहा है, तो आप देखेंगे 4 और 6, 3 और 5 ये आपस में हमारे एंगल है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, 4, 6 के साथ इक्वल होगा, 3, 5 के साथ इक्वल होगा, इक्वल क्यों हुआ क्योंकि इट इज़ गिवन दैट एल इज पैरेलल टू एम, फिर आगे देखिए 1 इधर 7 के साथ एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होगा बट दोनों इक्वल भी होंगे बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइन, 2 and 8 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमारी लाइंस क्या है पैरेलल है, फिर आप देखेंगे सेम साइड ट्रांसवर्सल यहाँ पे 2 एंगल है और यहाँ पे भी 2 एंगल है, ये चारों एंगल क्या होंगे को इंटीरियर एंगल एंड सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180। सेम साइड वाले दोनों का सम कितना होगा 180, क्यों होगा क्योंकि लाइंस क्या हमारी पैरेलल है, तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, अगर लाइंस पैरेलल होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पता होने चाहिए कौन से, वो इक्वल होंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180। बट बच्चों इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है, जैसे कोई डायग्राम बना हुआ है और आपसे पूछा जाएगा प्रूफ दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, अगर दो लाइंस को पैरेलल लाना हो तो हम इसका अपोजिट बोलेंगे कैसे, अगर हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएं तो आप कह दोगे कि वो जिन लाइंस के बीच में बन रहे हैं या ऊपर नीचे बन रहे हैं वो लाइंस हमारी क्या होगी पैरेलल, अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी आप इक्वल ला पाते हैं इट मींस आपकी वो दो लाइंस क्या होगी पैरेलल होगी, एंड इफ़ यू कैन प्रूफ दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 तो भी लाइंस क्या होगी, तो इसका मतलब कोई भी थ्योरम है कोई भी एक्सियम है कोई भी कोरोलरी है तो उसका रिवर्स भी पॉसिबल है, इज इट क्लियर बच्चों, तो जैसे कोई ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम 180 होगा और अगर तीनों एंगल का सम 180 होता है तो वो ट्राइंगल होगा, तो दोनों अपोजिट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इज इट क्लियर बच्चों, बहुत छोटी छोटी अब इसमें छोटी छोटी थ्योरम से आप खुद प्रूफ करेंगे कि 2 alternate angle इक्वल है इंटीरियर वाले तो लाइन्स पैरेलल होगी क्या, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कुछ भी खास नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस, इज इट क्लियर बच्चों, देखिए हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं बच्चों 6.2, अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, जो छोटी छोटी चीज़ें आप ऑलरेडी देख के आ गए कैसे वाली, आप देखेंगे 8 और 7 एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, ये दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन पे इनका सम भी 180 होगा इनका सम भी 180 होगा इन दोनों का सम भी 180 इनका भी आपस में जो जो पहले प्रॉपर्टीज थी कि स्ट्रेट लाइन एडजेसेंट एंगल वो सब तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों, राइट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर सेकेंड एक्सरसाइज विच इज अगेन ए इजी एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज एंगल्स लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इंटीरियर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स एंड एटसेट्रा, सो यू हैव टू चेक द पोजिशन ऑफ एंगल्स एंड यू हैव टू डिटरमाइन विच एंगल्स आर दीज।
corresponding alternate co-interior, and then you have to check if lines parallel then angles will be equal. देखिए बच्चों, first question क्या कह रहा है? Question number 1 of exercise 6.2, बच्चों एक diagram given है और बच्चों question में बोल रखा है ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी. तो ये दो लाइंस बनी हुई है बच्चों. तो आप देखेंगे यहाँ का एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, यहाँ पे एक पॉइंट है डी. बच्चों देखिए यहाँ पे एंगल है एक्स और यहाँ पे एंगल है वाई, एंड आपको बोला गया ये एंगल कितना है 130 डिग्री. इज इट क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछा गया है. इज इट क्लियर? और यहाँ पे भी एक एंगल गिवन है बच्चों, वो कितना गिवन है 50 डिग्री. अगर ये भी गिवन नहीं होता तब भी हमारा काम हो जाता. कैसे कैसे होता काम मैं बताता हूँ. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मल्टीपल मेथड है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एंगल्स है. सो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ थ्योरम, एनी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम दैट एंगल्स. अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है y का वैल्यू, तो तुम्हें नहीं लगता y का वैल्यू 130 आएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. क्लियर है? आप अगर ऐसे नहीं सोचना चाहते तो आप ऐसे सोच ले, देखो ये 130 है तो इधर कितना होगा 150, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन में पल रहे हैं, तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 180. अगर ये 50 है तो दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों का भी सम कितना है 180 है. तो इट मीन्स y का वैल्यू कितना आ जाएगा, वहाँ से वापस 130 आ जाएगा. चलिए आगे, अगर मैं कहूँ y का वैल्यू अगर 130 है बच्चों, यहाँ पे देखो आप कैसा है 130, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, अगर ये 130 है तो x का वैल्यू भी कितना आएगा, 130 आएगा. क्यों आएगा? बोर्ड पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि सर जब ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये देखो ये हमारा एंगल इसके इक्वल होगा. दो रीजन है, एक रीजन तो आप ऐसे बता, देखो मेन रीजन आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, बिकॉज ऑफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. तो ये एंगल भी 130 आ गया. या आप ऐसा बोल सकते थे, अगर ये वाला x वाला एंगल और ये वाला, देख लो ना ट्रांसवर्सल के एक साइड में लाइन के नीचे वाले, लाइन के ऊपर वाले क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. तो ये 130 है तो ये भी 130 आएगा. अगर इसके रेफरेंस में लिखते हैं तो आप रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके रेफरेंस में लिखते हैं तो आप लिखेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल. तो यहाँ से भी ये 130 आ गया, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था. अब बोले यहाँ पे 50 गिवन नहीं होता तब भी हमारा आंसर आ जाता, क्यों? देख लो जरूरत ही कहाँ पड़ी इसकी. और अगर वैसे चाहते हो यूज करना तो x प्लस 50 दोनों का वैल्यू कितना होगा, 180, क्योंकि दोनों कहाँ मिल रहे हैं हमारे, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, तो इसलिए इन दोनों एंगल का सम भी कितना आ जाएगा, 180. सो देर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल चैनल इन विच यू कैन थिंक और सोल्व एनी क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखो, हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं. ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7. हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एक्स फाइंड करना है. तो आप देखेंगे बहुत ईजी क्वेश्चन है. कैसे? एक लाइन ऐसे बनी हुई है, थ्री लाइन्स है बच्चों और जो पैरेलल भी हैं, एक इनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, सभी पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ. दिस एंगल इज जेड, दिस एंगल इज एक्स और दिस एंगल इज वाई. इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो वाई और जेड का रेशियो गिवन है, जो कितना गिवन है, 3:7. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी जो है किसके साथ पैरेलल है, सी डी के साथ, और सी डी किसके साथ पैरेलल है, ई एफ के साथ. इट मीन्स सी डी इन दोनों लाइंस के साथ पैरेलल है, इट मीन्स हमारा ए बी और ई एफ भी पैरेलल होगा. तो इट मीन्स ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है. तो जब लाइंस पैरेलल है तो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्टिवेट होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली,
अल्टरनेट एंगल वाली। तो आप देखेंगे अगर ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी बच्चों वाई होगा, क्योंकि ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब अगर आप इन दो पैरेलल लाइन को देखते हैं तो ये सेम साइड ट्रांसवर्सल आ गए एंगल और इंटीरियर भी है, तो ये दोनों एंगल हमारे कौन से, को इंटीरियर एंगल। और इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा बच्चों, 180 आएगा। आगे कि नहीं आगे बात समझे, जब दो एंगल का सम 180 गिवन है और दोनों का रेशियो भी गिवन है तो आप सोल्व कर सकते हैं। देखो रेशियो क्या गिवन है, 3:7। तो हम मान लेंगे लेट एंगल वाई इज इक्वल टू 3x और एंगल जेड इक्वल टू 7x। तो आप क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, 3x प्लस 7x दैट इज इक्वल टू 180, टेन एक्स इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहाँ से x कितना आ गया, 180 अपॉन 10, कितना डिग्री आ गया बच्चों, 18 डिग्री। बट आपसे x थोड़ी पूछा था, आपसे एंगल y पूछा था, y है आपका 3x, 3 × 18 डिग्री कितना आ गया बच्चों, 54 डिग्री। फिर आपसे पूछा था एंगल z, 7x, 7 × 18 डिग्री, इज इट क्लियर। तो कितना आएगा बच्चों, 7 × 8 = 56, 126 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये 126 आपका आ गया, कौन सा एंगल, y आ गया 54, z आ गया 126। आपसे पूछा एंगल x, तो बच्चों देखो y कितना आ गया आपका 54, z कितना आ गया बच्चों आपका 126। तो अगर मैं देखूं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू, अगर आप लिखते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, तो क्या रीजन लिखेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब हमारा x का वैल्यू भी कितना आ गया बच्चों, 126 डिग्री। आप अदर वे में सोच लेते, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो x और y दोनों का सम कितना आएगा बच्चों, 180 आएगा। रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, तो यहाँ 54 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126। किसी भी तरीके से सोच लीजिए, इन द सेम वे यू विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज। टिल देन बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।